नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास +1 एंड +2 में। और आपको पता है कि हमारा इस चैनल को स्टार्ट करने का जो एम है वो 1% पूरा हो चुका है, यानी हमने एक चैप्टर जो है वो अपलोड कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे सेकंड चैप्टर की तरफ, क्लास 11 चैप्टर नंबर 2। और वो चैप्टर है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो मैं उसके बारे में आपको बेसिक सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि उस चैप्टर में है क्या। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमने एक टारगेट रखा है जिसमें हम क्लास +1 और +2 की पूरी केमिस्ट्री को अपने चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे, ताकि हर एक स्टूडेंट का जो कंसेप्ट है केमिस्ट्री से रिलेटेड वो क्लियर हो सके। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारे पास सेकेंड यूनिट क्लास +1 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने पहली वीडियो में, यानी जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, उसमें हमने पढ़ा था सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे, और लास्ट में हमने उसके क्वेश्चन किए थे। आपको पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, तो इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटोन है, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम के, क्योंकि सबसे पहले एटम तो डिस्कवर हो गया। अब उसके अंदर क्या क्या पार्टिकल प्रेजेंट है उसकी डिस्कवरी हुई, उसके बारे में बताया गया। उसके बाद आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हमने पहले पढ़ लिया है फर्स्ट यूनिट में, मगर जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालोगे, उसके सारे के सारे कंसेप्ट दिए गए। उसके बाद आपके पास यहाँ पे मॉडल आएंगे, बोहर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर एटॉमिक मॉडल, जो उनकी थ्योरी थी उसको स्कैटरिंग कहा गया, क्योंकि जो उन्होंने जब कैथोड रे से उन्होंने रे पास की थी तो जो भी लाइट थी वो स्कैटर हुई थी कैथोड की तरफ एनोड की तरफ एंड वन सिंपल वे में। आपके पास एक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, फिर आपके पास आएगी थॉमसन एटॉमिक थ्योरी। तो ये सारी की सारी थ्योरीज हैं। ये थ्योरीज आपको बताएगी कि जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, इन एटम वो किस तरह से है, जो एटम है उसका शेप कैसा है। इस चैप्टर में सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास वो है आपके पास क्वांटम नंबर, और जो आपके पास प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि आपके पास शेल क्या होती है, सब शेल क्या होगी, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर से स्पेशली कोई भी टेस्ट होगा आपका वहां पे ऑलवेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेन टर्म है हमारे पास क्वांटम नंबर, फिर आपके पास प्रिंसिपल आएंगे, और इसकी जो नेक्स्ट टर्म आएगी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूल है आपके पास। आपके पास है हुंड्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल एंड अबोव प्रिंसिपल। तो ये सारे के सारे जो है आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 वीडियो इसमें आपके लिए बनेगी, जिसमें हम सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे। इनको भी हम जो फर्स्ट यूनिट हमने की थी उसी की तरह हम एक्सप्लेन करेंगे। हो सकता है फर्स्ट यूनिट को एक्सप्लेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई हो, क्योंकि वो स्टार्टिंग थी, मगर जो अब हम सेकंड करेंगे आप देखेंगे कि हमारी वीडियो की क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट होगी, और जो हम आपको समझाएंगे उसमें भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहे, हम अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अब जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो भी इसका एक स्टोरी टाइप में है, जिस तरह की आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जब भी डिस्कवरी हुई थी तो जो साइंटिस्ट थे वो कैथोड रे के ऊपर काम कर रहे थे। तो जो भी चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, वो कैथोड रे के ऊपर स्टडी कर रहे थे एटम्स की। तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट डिफ्लेक्शन आ गई, उस टाइम जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। इस तरह से सभी आपके पास प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, उसी तरह से इसकी डिस्कवरी आई। उसके बाद आपके पास आइसोटोप आएंगे, आइसोटोप हो गए, आइसोबार हो गया, आपके पास एटॉमिक नंबर हो गया, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपके लिए मैं केवल इंट्रोडक्शन लेके आया था, क्योंकि चैप्टर की इंट्रोडक्शन काफी ज्यादा जरूरी होती है कि जो भी हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि सेकंड चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।